हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्यूटी सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, बरसातों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे मौसम में हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बेजान भी नज़र आते हैं। तो आज मैं आप सबसे एक बहुत ही असरदार हेयर मास्क शेयर करूँगी जो कि आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स पर काम करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपके बाल बहुत ही पतले हो गए हैं, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है या आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे बेजान हैं, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप बस इस हेयर मास्क को रेगुलरली यूज़ कीजिए और कुछ ही दिनों में ये आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देगा। तो चलिए इस आसान से पर हाईली इफेक्टिव हेयर मास्क को बनाना शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क का मेन इंग्रेडिएंट है मेथी दाना, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेथी दाना के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। मेथी दाना में हाई अमाउंट्स ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन सी होता है जो कि हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी होता है। फेनुग्रीक सीड्स में हाई प्रोटीन एंड निकोटिनिक एसिड होता है जो कि हेयर फॉल को रोकता है और डैंड्रफ को भी क्योर करता है। इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ लेसिथिन भी होता है जो कि बालों को हाइड्रेट करता है और हमारी हेयर के रूट्स को और फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। ये बालों की ड्राइनेस को दूर करता है और हेयर थिनिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो चलिए हम अपना हेयर मास्क बनाना शुरू करते हैं। आप अराउंड 2 टेबलस्पून मेथी दाना ले लीजिए और उन्हें रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि ये मेथी दाना अच्छे से पानी में भीग गया है और फूल गया है, तो आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल लीजिए और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको इसका पेस्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा मेथी दाने का पेस्ट बिल्कुल तैयार है, तो आप एक बोल में अराउंड 3 टेबलस्पून मेथी दाना का पेस्ट लीजिए। फिर आप उसमें 4 टेबलस्पून दही यानी योगर्ट ऐड कीजिए। उसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून प्योर एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और आपका अमेजिंग हेयर मास्क एकदम तैयार है। जिस दिन आपको ये हेयर मास्क अप्लाई करना हो तो आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। आपको इस हेयर मास्क को अपने क्लीन हेयर पे लगाना है। अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिए और जब आपके बाल 80% ड्राई हो तो इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने स्कैल्प पर और हेयर लेंथ पर अप्लाई कर लीजिए। हमें बेसिकली इसे अपने स्कैल्प पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और जितना बच जाए उसे अपने हेयर एंड्स पर और हेयर लेंथ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने बालों में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद आप इस मास्क को किसी भी सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश कर दीजिए। इस हेयर मास्क को आपको हफ्ते में 1 बार ज़रूर अप्लाई करना है। एक ही बार के यूज़ से आपको अपने बालों में डिफरेंस नज़र आएगा। ये आपके हेयर फॉल को पहली ही बार के यूज़ से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा और आपके बाल बहुत ही थिक और वॉल्यूमिनस फील होंगे। आपके बाल अगर बहुत ही पतले फील होते हैं तो इस हेयर मास्क के यूज़ से आपके बालों में वॉल्यूम आएगी और इस हेयर मास्क के यूज़ से आपका हेयर ग्रोथ रेट जो होता है वो भी बहुत इंक्रीज़ होगा। ये हेयर मास्क आपके बालों को शाइन देगा, आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, आपके डैंड्रफ को क्योर करेगा या अगर आपको एक्जिमा या सिरोसिस की प्रॉब्लम है अपनी स्कैल्प पर तो ये उसमें भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस हेयर मास्क को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस हेयर मास्क को जब आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप बाज़ार का कोई भी हेयर मास्क कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को ट्राई करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फायदेमंद वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।